दोस्तों कैसे आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो दिखाने वाला हूं वो है दोस्तों निंजा एक्सेल की मोटर, फैन मोटर। और दोस्तों जहां से मैंने ये परचेज करी है उसका वीडियो, ओ सॉरी, उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वगैरह वगैरह, आप जाके चेक कर लेना कितने के लिए, प्राइस वगैरह सब इस वीडियो में बात कर लेंगे हम। और दोस्तों आपने देखा होगा निंजा कूलर, नाम से निंजा है लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि इसकी हाइट के मुकाबले। लेकिन मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं इस वाले, ये जो मेरे पास, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा मोटर की, जो मैं फीचर आपको बताऊंगा, ये टॉप मॉडल है। और जो टॉप मॉडल की जो उसकी आरपीएम, हम उसके जानेंगे कैपेसिटर के बारे में और जानेंगे उसकी अंदर एल्यूमिनियम है या कॉपर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है मेरे पास मोटर का बॉक्स। तो चलिए मैं ज्यादा देर ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूं, फिर मैं बताऊं आपको उसके फीचर के बारे में। एक तो दोस्तों ये बॉक्स जो मुझे ना, मेरे को सही बताऊं, मेरे को इसकी क्वालिटी एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल फिचका हुआ है। अब ये क्यों है ये हमें अंदर खोलने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं यहां से। काफी पुरानी पैकिंग दी हुई है क्योंकि दोस्तों निंजा मॉडल बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, ज्यादा यूजेबल मतलब छोटा कूलर है, ठीक है। तो वह हर बार की तरह इसके अंदर इस टाइप की पैकिंग आती है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं इसमें से बाहर। दोस्तों एक्चुअली इसमें क्लैंप लगा हुआ है, मेरा शक सही था, इसमें क्लैंप है दोस्तों, तो इसका मतलब हमें ये दूसरी साइड से खोलना पड़ेगा। मतलब क्लैंप से निकाल के हमें ये दोस्तों इस टाइप की मोटर आती है निंजा की, ये आप देख सकते हो इस टाइप की मोटर होती है। पैकिंग आपको पूरी मिल जाती है। इसको हम रख देते हैं साइड में और इस बॉक्स को भी उठा के हम रख देते हैं साइड में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फीचर की। तो ये आप देख सकते हो यहां पे, ये आपको दिख जाएगा, ब्रांड हमारा सिंफनी है, मॉडल निंजा है। अब मैं आपको इसका सीरियल नंबर ही बता देता हूं। ये ऊपर भी लगा हुआ स्टिकर आप देख सकते हो पास से, इसका सीरियल नंबर है दोस्तों 143604100609। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फेस, उसकी वॉट्स की। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाता है 230 वॉट 50 HGH। और दोस्तों इसके अंदर सिंगल फेस की मोटर ACCO। और बात कर लेते हैं इसके रेफरेंस टू IS996 की। अच्छा इसमें दोस्तों हमारी जो हॉर्स पावर है HP 1/20, आउटपुट वॉट्स जो है दोस्तों 38 है। बात कर लेते हैं इसके एम्पेयर की, 0.50 का एम्पेयर है, जो कि शायद हमने जंबो की, जो जंबो जूनियर की मोटर अनबॉक्सिंग करती थी उसके फीचर जाने थे, उसी में ही जो पावर थी वही इसमें। दूसरा दोस्तों इसके अंदर बात कर लेते हैं आरपीएम की। दोस्तों इसका भी आरपीएम 1400B है। बात कर लेते हैं हम इसके कैपेसिटर की। दोस्तों इसमें 2 MFD का कैपेसिटर लगता है, जंबो जूनियर में 2.5 का लगता है। क्लास बी एन CC05 SC15। दोस्तों ये इसका बारकोड एक और नंबर है 00609। बाकी ये आपने सारा देखा हुआ है, सिम्फनी लिमिटेड अहमदाबाद। और ये इसका मैन्युफैक्चरिंग बाय CPPT लिमिटेड, जो जाना चाहे भाई इसकी मैं मेल आईडी, याहू की मेल आईडी देता हूं, वो आप देख लो उसमें लिखी हुई है, ईमेल cordofomotor@yahoo.co.in। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हर बार की तरह थ्री स्पीड सिम्फनी थ्री स्पीड वायर बनाते हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कूलर को छोड़ के बाकी जितने भी मॉडल आते हैं सब में थ्री स्पीड मिलती है आपको। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। अभी दोस्तों बीच में आपने देखा होगा अंधेरा हो गया था, वो क्या हुआ था, एक्चुअली थोड़ा सा लाइट ट्रिप हो गई थी। चलो कोई नहीं, हाई मीडियम लो, सॉरी हाई व्हाइट वाली मीडियम रेड वाली लो। तो हम इसकी स्पीड टेस्ट कर लेंगे एक बार। तो हम हाई पे चलाएंगे, देखेंगे कितने 1400 BRPM पे क्या स्पीड इसकी जो शाफ्ट है कितनी तेजी से घूमती है। तो सबसे पहले मैंने ये तार लगा लिए हैं इसके दोस्तों।
ये मैंने इसके तार लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हो मोटर रनिंग कर रही है। और दोस्तों साउंड बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखिए 1400p का जो साउंड है बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोस्तों सिम्फनी के स्ट्रॉम कूलर को छोड़ के बाकी जितने भी मॉडल्स आते हैं, जितनी भी मोटर्स आते हैं, सबके अंदर बुश होते हैं, बैरिंग नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये देखिए क्या पिकअप है इसका साउंड का, 1400 rpm का, 1400 brpm का। दोस्तों मुझे काफी साउंड लाइट लग रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो रनिंग कर रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की, तो ये दोस्तों इसकी टॉप मॉडल मोटर है, ये मेरे को मिली है 1170 रुपए की, सॉरी मेरे को डिस्काउंट करके मिली है 1130 रुपए की, बाकी जो इसकी जो प्राइस है वो 1060 रुपए है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगा, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं ये समझता हूं जो भाई हमारे निंजा कूलर यूज करते हैं उनके लिए दोस्तों, और सबसे मेन मुझे इसमें क्या लगा है, जो अब है तो दोस्तों कॉपर, यही मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम नहीं है, कॉपर, लेकिन बहुत ही लाइट वेट है, आप विश्वास मानेंगे, मैं गैस कर पा रहा हूं इसका जो वेट है, आप ये मान के चले हैं 1/2 kg समथिंग के आसपास का वेट है, बहुत लाइट वेट है। तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कहां से मैंने खरीदी है, जिस सर्विस सेंटर से खरीदी उसका एड्रेस डाल दूंगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, मोटर के बारे में जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।